अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MJH स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। 21वीं सदी का सबसे लंबा चांद ग्रहण शुरू हो गया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया और कौन कौन से ममालिक से इसको देखा जा सकेगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, 21वीं सदी का सबसे लंबा चांद ग्रहण शुरू हो गया, जो कि 103 मिनट तक जारी रहेगा। कुरायार्ज, सूरज और चांद एक खत और एक सतह पर होंगे। चांद कुरायार्ज के अकब में चला जाएगा। इस दौरान इसकी रोशनी सुर्ख हो जाएगी। ये रवां सदी में तवील तरीन चांद ग्रहण साबित होगा। ये बात किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के माहिरे फल्कियात मलहम बिन मोहम्मद हिंदी ने बताई है। उनका कहना है कि चांद ग्रहण के बाद माहिर रवां जीकादा के आखिर में जुजवी सूरज ग्रहण भी होगा। ये सऊदी अरब ममालक में नजर नहीं आएगा, इसे सिर्फ कुतुब शुमाली और अतराफ के इलाकों से ही देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज आज जुमा की रात को 9:24 पर हुआ था और इसका इख्तिताम आज रात 10:30 तक जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि आज का चांद ग्रहण का मंजर गर्दो गुबार के तूफान के बायस रियाज के बाशिंदे शायद ही देख सकें, जबकि सऊदी अरब के दीगर शहरों में चांद ग्रहण का मंजर देखा जा सकेगा। इतलात के मुताबिक आज जुमा को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। 21वीं सदी में तवील और मुकम्मल तरीन चांद ग्रहण होगा। 1:43 तक चांद की रोशनी गायब रहेगी। ये साल का दूसरा चांद ग्रहण है। इससे पहले 31 जनवरी को मुकम्मल चांद ग्रहण लगा था। चांद ग्रहण बगैर चश्मे के देखा जा सकता है। ये हिंदुस्तान, एशिया समेत दीगर ममालिक, रूस, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बाज़ ममालिक में भी नजर आएगा। अगर आप भी चांद ग्रहण को देखना चाहते हैं तो अभी बाहर निकलकर आप चांद ग्रहण के मंजर को देख सकते हैं।